प्रदेश के मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में किए जा रहे विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट स्थित NIC बिल्डिंग में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नालिकर, DM के विजेंद्र पांडियन, ADM CT RK श्रीवास्तव, GDA सचिव राम सिंह गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माध्यम से मुख्य सचिव ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने सहित विकास कार्यों की क्रमवार समीक्षा की और कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का, सभी मंडलायुक्तों का और मंडल स्तरीय सबका अभिनंदन है। ये अब चुनाव के उपरांत समीक्षा बैठकों का और दौरों का, निरीक्षणों का ये अब एक प्रोसेस चालू होगा। सभी DMs को यहाँ पर समीक्षा बैठक के लिए बुलाया, बैठक चलेगी 11 बजे से 10। जैसे हम लोगों का वो सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न पर होगी, सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक DMs और SSPs की ज्वाइंट मीटिंग होगी, कानून व्यवस्था के संबंध में होगी और उसमें महिलाओं पर अपराध जो है उसके संबंध में और ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में और ये एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीमेन, एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मॉब लिंचिंग, इस तरह की चीज़ों पर जो है ये सारी और इसके डिटेल्स जो हैं उन पर सब पर चर्चा की जाएगी, चर्चा कर लें और ये दो बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये विकास कार्यों की समीक्षा होती है।